अभी जनवरी की बात है, जब दिल्ली में ऑटो एक्सपो लगा था, उस ऑटो एक्सपो में आपको पता ही है कि कितनी भीड़ आती है। मैंने यूट्यूब पे देखा था, मैं तो नहीं गया था, ऑल ओवर इंडिया से आते हैं दिल्ली वाले, खूब बहुत गाड़ियाँ देखने आते हैं, नई नई गाड़ियाँ वहाँ डिस्प्ले में लगी होती है, नए नए फीचर्स बताए जाते हैं, नए नए मॉडल बताए जाते हैं। उसी टाइप का एक ऑटो एक्सपो जयपुर में भी लगा है। उस ऑटो एक्सपो को देखने के लिए हम दोनों जा रहे हैं, मैं और सुमन। और क्या क्या स्पेशल है उस ऑटो एक्सपो में, वहाँ जाके आपको पता लगेगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, बस आप व्लॉग पूरा देखते रहना, आपको पता लग जाएगा किस टाइप का है। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को टच करके उसमें ऑल पे क्लिक कर देना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज जो मैं आपको ऑटो एक्सपो दिखा रहा हूँ वो आपको कैसा लगा। दिल्ली में जो ऑटो एक्सपो था वो नई गाड़ियों का था, ये विंटेज कार्स का है। जीतने हैं तुरंत मेरे पास चले आए हैं, एक छोटा सा टास्क अगर कर पाएंगे तो आपको मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर। तो कुछ गाड़ियाँ पुरानी एसयू में थी, ये शायद एक्सयूवी है क्योंकि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, और ये इसकी पीछे क्या पूरा बेड है, ये देखो आप, कम से कम तीन आदमियों का। आजकल तो क्या है कि कैंपिंग के लिए गाड़ी को तैयार करनी पड़ती है, अभी ये तो ऑलरेडी कैंपर वैन बनी हुई है। वैसे दिख नहीं रही होगी आपको, लेकिन बहुत डेफ्थ बहुत अच्छी है, कम से कम 7 फीट की डेफ्थ है। ये जो पलंग टाइप जो दिख रहा है ना, ये सारा 7 फीट का है, पूरा का पूरा। देखो सोने का अरेंजमेंट भी है यहाँ पे। ये इस तरीके की चाबी स्टार्ट थी गाड़ियाँ, हालांकि अभी तो कीलेस भी आ गई, बट कितना फर्क है यार। ये ओरिजिनल कलर है क्या है? कैसे संभाल के रखा है, कुछ राज परिवारों की है ये।
और इनमें मेंटेनेंस बहुत महंगा है। अच्छा नहीं, ये जयपुर की गाड़ी है। छोटी सी गाड़ी है ना, इसको कैमरे में जज करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि ये जो इसका स्टेयरिंग है ना, ये आज के हिसाब से ये देखो स्टेयरिंग सिर्फ इतना सा है, मुश्किल से 12 इंचेस का स्टेयरिंग होगा। और बहुत ही क्यूट सी छोटी सी कार है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ मैं इस कार के बारे में। बहुत प्यारी कार है ये यार, बिल्कुल अलग सा एक्सपीरियंस है भाई गुड, इतना अलग एक्सपीरियंस है। ये देखो कितना वुडन वर्क है इस गाड़ी के अंदर, लकड़ी के पिलर है सारे ये। कुछ कुछ गाड़ियां तो इतनी रॉयल है, जैसे ये सोफा देखो आप, इतने कंफर्ट सोफा तो शायद अब घर पे भी नहीं होते होंगे लोगों के, इतने कंफर्ट सोफा है। कुछ कुछ गाड़ियों में तो ये देखो सनरूफ भी उस टाइम में, अब यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि नहीं होगी, बट अब देखो आप ये सनरूफ ही है। कितनी उस टाइम भी कितनी हाई टेक्नोलॉजी थी गाड़ियों में, है 1970 मॉडल है। प्रीमियर पद्मनी भी बिल्कुल डिस्प्ले में लगा रखी है इन्होंने विंटेज कार में, जबकि वो गाड़ी ऐसी कि आज भी सड़कों पे बहुत इजीली मिल जाएगी आपको। कुछ लोगों के पास जो शौकीन पुराने लोग हैं, हमारे पास भी थी वो, उसका नंबर भी था मुझे याद है, PBX 94 मॉडल है ये। 1966 का ऑटोमेटिक मॉडल है। ओह, क्या मैं गेट खोल के देख सकता हूँ? मॉडल ऑटोमेटिक, क्लच का पेडल नहीं है। ओके, क्या इसका मॉडल नेम क्या है सर? 1966 एम्पाला पिलरलेस। ओके, हाँ जी। स्पेशल मॉडल है ये, इसमें पिलर नहीं है बीच में, यहाँ का जो बीच का पिलर होता है ना ये वाला, यहाँ ये पिलर नहीं है। अच्छा, शेवरलेट की एम्पाला। यहाँ बहुत से लोगों से मैंने ये पूछा था कि अभी सबसे पुरानी कार डिस्प्ले में कहाँ पे है, वो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। 1913 की जो कार है वो सबसे यहाँ पे इस एग्जीबिशन में सबसे ओल्डेस्ट कार डिस्प्ले में है। ये है जी सबसे ओल्डेस्ट कार, 1913 की फोर्ड की बनी हुई है, और बाकी इसका ये
फ्रंट वाला विंडशील्ड है, ये दिख रहा है ना, ये वाली, ये विंडशील्ड है इसकी। पता नहीं ये सिर्फ हवा रोकने के लिए है। ये सबसे ओल्डेस्ट कार है जो अभी ये चला रहे हैं। और एक बात और, ये परमिशन सिर्फ इन्हीं को है जो इसके ऑनर है, बाकी कोई आदमी नहीं चला सकता। पीछे देख रहे हो, बिल्कुल छोटा सा इसका साइलेंसर है। गाड़ियाँ लोग बाग यहाँ चला भी रहे हैं, जो इसके ऑनर है ना वो चला चला के दिखा रहे हैं लोगों को। जब उसके इंजन स्टार्ट होते हैं ना तो चारों तरफ इतना धुआं होता है कि यहाँ खड़े रहना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस टाइम ये टैग तो चलते नहीं थे, नॉन पोल्यूटेड व्हीकल वाले, तो फुल पोल्यूशन है इन गाड़ियों का। हालांकि ये गाड़ियाँ आजकल मार्केट में नज़र भी नहीं आती हैं। कुछ मॉडल्स हैं जो शादी ब्याह में कुछ स्पेशल लोग यूज़ करते हैं उनको, उनके भी पर आवर के हिसाब से चार्जेस लेते हैं ये लोग। फॉरन भी ऐसे जैसे बहुत दूध वाला नहीं आता आजकल। थक गए सुमन धूप में घूम घूम के। बताओ, हम तो बैठे भी ऐसे रॉयल गाड़ी पे हैं, खुद वाली गाड़ी तो कोई खास नजर नहीं आती अब। मेरे को लगता है ये 4x4 है। आजकल जो गाड़ियों में रिवर्स के लिए एक छोटी सी नॉब आती है वो लगी हुई है, देखो कितनी हाई टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ थी। और ये हैंड ब्रेक है। ऐसा लगता है जैसे जुगाड़ सा हो। कितने छोटे छोटे से पैडल है साथ में। ये सबसे क्यूट सा स्पीडोमीटर है और यही सारे बटन दिए हुए हैं। Again, come back to me. I have one more task for all the people. Are they? I think I told you. 110 car ye display hai. Lag rahi hai, hai nahi. Ab chalane ki permission bas sirf unhi ko hai jo owner hai. Owner chahe to kisi ko bitha ke apne guest ko chala sakta hai gaadi. Ye phir se ek baar jinhe task करने की इच्छा है और यहाँ आकर के कुछ गिफ्ट हैंपर आपको चाहिए। इस टास्क को कंप्लीट करने के बाद में आपको मिलेगा गिफ्ट हैंपर, तो जो भी मेंबर्स इंटरेस्टेड हैं तुरंत मेरे पास चले आए। यार एक चीज़ देखी है मैंने, अब आप इस गाड़ी में ये देखो कि ये तो आ गया इसका प्लेटफॉर्म, फिर ये आ गया इसका फ्लोर, फिर ये आ गई सीट। अब पैर कैसे एडजस्टमेंट होगा इसका, ये समझ में नहीं आ रहा। ओहो, कुछ इस तरीके से, वो टिपिकल है। इसका गेट बंद है और ये इसकी सनरूफ है, क्योंकि ना तो सन है और ना रूफ है, सिर्फ टेंट लगा हुआ है ऊपर। अब आपको एक बात बता देता हूँ, जितनी भी गाड़ियाँ आपने देखी है, मुझे नहीं पता इनका क्या टॉर्क है, क्या सिलेंडर है, क्या पावर है, क्या टर्निंग सर्किल है, क्या है एवरेज है, कितना लीटर का इनका डीजल या पेट्रोल की गाड़ियाँ, कितने लीटर का इनका टैंक है, ये सब कुछ। लेकिन एग्जीबिशन बहुत शानदार, जयपुर की जो विंटेज कार की एग्जीबिशन है ये हर साल लगती है, बहुत ही शानदार है, हर आदमी को यहाँ पर आना चाहिए। और हाँ,
अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप थम्स अप देंगे, नहीं अच्छा लगा हो तो क्या नहीं अच्छा लगा जरूर से बताना, लाइक भी कर सकते हो डिसलाइक भी कर सकते हो, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर एक नई डेस्टिनेशन पे, टिल देन खुश रहो मुस्कुराते रहो।